This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. शेयर बाजार में आज तीन दिन बाद खरीदारी का माहौल लौटा है। आज बाजार में सुबह से ही खरीदारी का माहौल रहा। कल भी दोपहर बाद बाजार में अच्छी खरीदारी देखी गई थी, वही ट्रेंड आज भी देखा गया। सेंसेक्स 209 अंक चढ़कर 52,653 पर बंद हुआ, वही निफ्टी 74 अंक बढ़कर 15,783 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, आईटी और सरकारी बैंकों में देखी गई। कल सरकारी बैंकों की सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी। आज बैंकिंग शेयरों में निचले स्तर से अच्छी खरीदारी लौटी है। आज सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में हिंडाल्को, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, SBI और JSW स्टील शामिल रहे। वहीं गिरने वाले शेयरों में मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ITC, कोल इंडिया और बजाज ऑटो शामिल रहे। जानकार मान रहे हैं कि अभी बाजार दायरे में रह सकता है। बाजार 15,500 से 16,000 के बीच रह सकता है। बाजार 15,700 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में है। जब तक बाजार इस स्तर को नहीं तोड़ता, बड़ी गिरावट की आशंका कम है। आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी 15% से ज्यादा की गिरावट आई, जो इस बात का संकेत है कि बाजार पर बुल्स की पकड़ फिर से मजबूत हो रही है। आज बाजार को विदेशी बाजारों से भी अच्छे संकेत मिले हैं। जापान का निकेई 0.71% ऊपर रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट में 1.49% की तेजी रही। हांगकांग के हैंगसेंग में 3.24% का उछाल आया। वहीं कोरिया के कॉस्पी में 0.18% की मजबूती रही और ऑस्ट्रेलिया का ऑल आर्डनरी 0.60% ऊपर बंद हुआ। कुल मिलाकर आज बाजार के लिए सभी जगह से अच्छी खबरें आई हैं। जानकार मानते हैं कि यहां से छोटे और मझोले शेयरों में छोटी अवधि के लिए रैली आ सकती है। आज भी छोटे और मझोले शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई। निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप 0.5% तेजी के साथ बंद हुआ। अब आपको बताते हैं शेयर बाजार में निवेश करने से पहले किन जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हमेशा एक मुश्त के बजाय धीरे धीरे पैसा लगाएं। छोटे निवेशक हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश करें। लंबी अवधि में नुकसान की गुंजाइश कम होती है। अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाएं। निवेश से पहले कंपनी के फाइनेंशियल और मैनेजमेंट के बारे में जरूर जान लें। निवेश से पहले मुनाफे का लक्ष्य जरूर तय कर लें। छोटे निवेशकों को निवेश से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार में पैसा नहीं बनेगा। आज भी कई ऐसे अच्छे शेयर हैं जहां आगे बढ़ोतरी की गुंजाइश काफी है। इसलिए हर गिरावट पर अच्छी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लंबी अवधि के लिए लगाते रहें।